नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन सीरीज में आज एनसीवीटी आईटीआई के थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन डीसी जनरेटर से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और ईएमएफ इक्वेशन के बारे में परीक्षा उपयोगी प्रश्न प्रारूपों को समझते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डीसी जनरेटर का ये जो भाग यहाँ दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो ये डीसी जनरेटर का योक या फ्रेम है जो बाह्य बॉडी है जिसमें मशीन के दूसरे सारे हिस्से स्थान और बाह्य वातावरण से बचाव प्राप्त करते हैं और इसका एक वर्किंग में मैग्नेटिक फंक्शन भी है। यहाँ स्टेशनरी योक के साथ जो पोल अटैच किए होते हैं उनमें फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन से जो वर्किंग फ्लक्स बनता है वो एयर गैप से आर्मेचर को काटते हुए वापस एयर गैप से दूसरे पोल से होता हुआ योक से अपना रास्ता पूरा करता है। तो योक में अच्छी चुंबकीय पारगम्यता होनी चाहिए। छोटी मशीनों में हम सस्ती लागत के हिसाब से कास्ट आयरन के फ्रेम या योक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़ी मशीनों में वजन को कम रखने के लिए हम कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील के योक या फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। अर्थात योक या फ्रेम जिसे कार्यकारी चुंबकीय फ्लक्स को अपने थ्रू वापसी का रास्ता देना है उसे एक लो चुंबकीय पदार्थ का होना चाहिए, इसकी पारगम्यता अधिक होनी चाहिए और ये मशीन के दूसरे हिस्सों को स्थान और बचाव का कार्य करता है और इसकी लागत कम होनी चाहिए। इसीलिए छोटी मशीनों में ढलवा लोहा और बड़ी मशीनों में ढलवा स्टील या रोल्ड स्टील के योक या फ्रेम बनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में ये जो चित्र में हमने भाग दिखाया हुआ है उसका ये जो हिस्सा है जिसे हमने एक्स से इंकित किया है उसका क्या नाम है? तो ये जो पूरी असेंबली दिखाई जा रही है चित्र में, ये योक के साथ जुड़ने वाले पोल हैं जिनका ये हिस्सा पोल कोर कहलाती है, जिसके चारों तरफ इंसुलेशन लगाकर हम फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स को वाउंड कर लेते हैं और जब फील्ड वाइंडिंग के फेरों में धारा प्रवाहित होती है तो वो एक कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। इस कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र को आर्मेचर के चारों तरफ वायु अंतराल में फैलाने का काम ये जो आगे का हिस्सा है जिसे हम पोल शू कहते हैं वो करता है। पोल शू का ये जो बड़ा आकार है वो यहाँ कुंडलियों के फेरों को असेंबली के दौरान आधार भी प्रदान करता है। तो हम कहते हैं कि शू कोर से थोड़ा अधिक चौड़ा बनाया गया है ताकि वो कुंडलियों को स्थान प्रदान कर सके और कार्यकारी फ्लक्स को ज्यादा लोह काट क्षेत्रफल के साथ कम प्रतिष्ठम के साथ अधिक क्षेत्रफल पे फैलाने का काम भी कर सके। यहाँ एक बात और समझने की है कि पोल कोर को हम ठोस एक हिस्से में बना सकते हैं, वहीं ये जो पोल शू है इसे आधा एमएम मोटी सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है। हालांकि पोल के ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग हमने लगाई है वो एक नियत मान का डिस्ट फ्लक्स बनाती है जिसका मान और दिशा में परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ शू के नीचे घूमता हुआ आर्मेचर में दांते और खांचे जब घूमते हुए निकलते हैं तो दांतों के स्थान पे फ्लक्स में वृद्धि हो जाती है और खांचों के स्थान पे फ्लक्स में जो कमी आती है उससे शू के नजदीक आर्मेचर के पास टीथ पल्सेशन फ्लक्स में उतार चढ़ाव होते हैं और वो उतार चढ़ाव इस लोह भाग में शैथिल्य और भंवरधारा क्षतियां कर सकते हैं और भंवरधारा क्षतियों को कम करने के लिए पोल शू को पटलित बनाना अनिवार्य है। पिछले प्रश्न जैसा ही ये तीसरा प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ये जो पोल कोर के आगे अधिक चौड़ा किया हुआ पटलित सिलिकॉन स्टील का पोल शू लगाने का क्या उद्देश्य है? तो ये जो पोल शू है वो आर्मेचर के चारों तरफ वायु अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में एक समान रूप से फैलाने और उसे मजबूत बनाने के कार्य में इस्तेमाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि पोल कोर के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स को एयर गैप में पूरे पोल आर्क में एक समान रूप से फैलाने के लिए हम पोल शू का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे, आर्मेचर में टीथ और स्लॉट होने से घूमते समय जो टीथ पल्सेशन होते हैं उनसे होने वाले भंवर धारा क्षतियों को कम करने के लिए पोल शू को पटलित सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। तो अगर ये प्रश्न होता कि पोल शू को पटलित क्यों बनाया जाता है तो उसका उत्तर होता, पोल शू में जो भंवर धाराओं के रूप में चुंबकीय हानियां होती हैं उन्हें कम करने के लिए पोल शू को पटलित बनाया जाता है। और यहां पोल शू का उद्देश्य पूछा गया है तो पोल शू पोल कोर के फ्लक्स को आर्मेचर के ऊपर पूरे पोल आर्क में एक समान रूप से फ्लक्स को फैलाने में इस्तेमाल होता है। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर का जो आर्मेचर भाग है उसकी जो चुंबकीय क्रोड है उसे पटलित क्यों बनाते हैं? तो हालांकि एक डीसी जनरेटर में जो फील्ड पोल्स होते हैं वो एक स्टडी डीसी मैग्नीट्यूड का फ्लक्स बनाते हैं और वही योक में एक स्थिर मान के साथ बहता है, तो हम योक और पोल कोर को सॉलिड सिंगल पीस में बना सकते हैं, उन्हें पटलित करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन घूमते समय
में आर्मेचर के ये जो भाग हैं वो कभी नॉर्थ पोल और कभी साउथ पोल के फ्लक्स में जब आते हैं तो इनके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स समय के साथ बदलता है और इसीलिए इनमें हिस्टेरेसिस और भंवरदारा क्षतियां होती हैं। तो इन्हें सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करके हम शैथिल्य क्षतियों को कम करते हैं और पटलित संरचना होने से भंवरदारा हानियां कम हो जाती हैं, क्योंकि पटलित संरचना भंवरधाराओं के प्रभाव में अधिक प्रतिरोध बनाएगी तो भंवरधाराओं का मान कम हो जाएगा और भंवरधारा हानियां भी पटलित संरचनाओं से कम हो जाएगी। ध्यान रहे, शैथिल्य हानि को कम करने में पटलित संरचना का कोई योगदान नहीं है। एक आर्मेचर में शैथिल्य हानियां कम हो इसके लिए हम आर्मेचर कोर के लिए पदार्थ सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आर्मेचर कोर को पटलित बनाने का उद्देश्य भंवरधारा हानियों को कम करना है। यहाँ डी सही विकल्प है। पांचवा प्रश्न है, यहाँ चित्र में जो डीसी जनरेटर का भाग दिखाया गया है उसका क्या नाम है? तो अगर हम विकल्प देखें तो एक विकल्प है किनारों की एंड प्लेट्स, तो एक डीसी मशीन के फ्रेम पे दोनों तरफ शाफ्ट को बियरिंग पे सपोर्ट देने के लिए एंड प्लेट्स लगाई जाती है जो कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील की सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जिसके बीच में यहाँ शाफ्ट को होल्ड करने के स्पेस होते हैं। इस तरह के बाह्य परिधि पर तीत और खांचे नहीं बने हुए होते, तो ये साइड एंड प्लेट नहीं है। पोल शू की लेमिनेशन भी कुछ भिन्न आकृति की होती है। कम्यूटेटर के सेगमेंट भी इस तरह के नहीं होते हैं। वस्तुतः ये हमारा जो बेलनाकार आर्मेचर कोर है उसे बनाने वाली आर्मेचर कोर की लेमिनेशंस हैं, जो सिलिकॉन स्टील की लगभग आधा मिलीमीटर मोटाई की ऐसी सिलिकॉन स्टील पत्तियां हैं जिनकी बाह्य परिधि में खांचे और दांते बने हुए हैं और इन्हें हम एक के ऊपर एक थाक बना के प्रेस में रिबिट करके जोड़ लेते हैं। इन पत्तियों के बीच में यहाँ शाफ्ट को कीवे के साथ अटैच करने की व्यवस्था है और इन खांचों में इंसुलेशन लगाने के बाद डबल लेयर पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कर दी जाती है। तो ये जो भाग हमने यहाँ दिखाया है चित्र में वो आर्मेचर कोर की लेमिनेशंस हैं। छठा प्रश्न पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर की संरचना में ये जो भाग लगाया हुआ है उसमें ये जो विशेष प्रकार की आकृति है जिसे हमने एक्स से चिन्हित किया हुआ है उसका क्या नाम है? तो वस्तुतः ये जो भाग हम देख रहे हैं वो कम्यूटेटर है जिसमें वेज आकृति के अनेक टुकड़ों को माइका के कुचालन के साथ इकट्ठा करके हम एक सिलेंड्रिकल सेगमेंटेड असेंबली बना लेते हैं। कम्यूटेटर के इस टुकड़े से वाइंडिंग की कॉइल से जो टेपिंग कनेक्शन आता है उसे कनेक्ट करने के लिए हम कम्यूटेटर से एक उभारा हुआ कनेक्शन जिसे हम कम्यूटेटर रेजर कहते हैं उसे निकालते हैं। तो ये कम्यूटेटर रेजर्स हैं जिनपे वाइंडिंग के ओवरहैंग से कनेक्शन टेपिंग्स जितनी कॉइलें हैं उतनी कॉइल में यहाँ कम्यूटेटर के टुकड़े हैं और हर टुकड़े का कनेक्शन एक विशेष कॉइल से यहाँ कम्यूटेटर रेजर की मदद से किया जाता है। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट है जो हार्डन्ड कॉपर के वेज नुमा टुकड़ों से बना हुआ है और दो टुकड़ों के बीच में माइका का इंसुलेशन है और ये जो सेगमेंटेड सिलेंड्रिकल असेंबली है उस असेंबली में कम्यूटेटर टुकड़े का कॉइल से कनेक्शन बनाने के लिए जिस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं वो रेजर ये भाग है जिसे यहाँ चित्र में एक्स से डिनोट किया हुआ है और ये एक्स भाग यहाँ सी विकल्प कम्यूटेटर रेजर है। हमारी परीक्षाओं में डीसी मशीन की संरचना संबंधी अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं और एक डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों की संरचनाएं एक जैसी है। अगर इसे हम यांत्रिक इनपुट एनर्जी दें और ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट बनाए तो इसे हम डीसी जनरेटर कहेंगे, अन्यथा अगर इसे इलेक्ट्रिक सप्लाई दें और मैकेनिकल आउटपुट प्राप्त करें तो इसी संरचना को हम डीसी मोटर कहेंगे। दोनों डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का ये जो बाह्य खोखला बेलनाकार हिस्सा है इसे हम योक या फ्रेम कहते हैं, जिसमें मशीन के ये जो दूसरे हिस्से हैं इवन ये जो घूर्णनशील आर्मेचर का भाग है वो भी इस शाफ्ट पे लगी हुई बियरिंग को एंड कवर पे जब रख लेंगे तो वो योक के सहारे टिकता है। तो ये योक सभी मशीन के हिस्सों को स्थान प्रदान करता है और उन्हें बाह्य वातावरण की विपरीत परिस्थितियों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। एक चुंबकीय फंक्शन भी योक करता है। यहाँ पोल से जब फील्ड वाइंडिंग में हम एक्साइटेशन देकर वर्किंग फ्लक्स बनाते हैं तो नॉर्थ पोल से निकलने वाला फ्लक्स एयर गैप को क्रॉस करके आर्मेचर में प्रवेश करेगा और आर्मेचर से ये चालकों को काटता हुआ एयर गैप को क्रॉस करके साउथ पोल से अपनी बंद परिपथ की पूर्ति योक के मार्फत करता है। तो योक में अच्छी चुंबकीय पारगम्यता होना आवश्यक है। छोटी मशीनों में कम लागत के लिए हम योक को ढलवा लोहे का कास्ट आयरन का बनाते हैं, वहीं बड़ी मशीनों में वजन कम करने के लिए योक या फ्रेम को कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। इस मशीन के योक पर निर्धारित स्थान पर पोल का स्ट्रक्चर बोल्ट से जोड़ा हुआ होता है और इस हिस्से को पोल कोर कहते हैं, जिसके चारों तरफ सकेंद्रीय कुंडलनों को बांधकर उनमें दिष्ट धारा भेजकर कार्यकारी फ्लक्स बनाया जाता है। इस फ्लक्स को वायु अंतराल में अधिक क्षेत्रफल पे फैलाने के लिए पोल कोर का आगे का हिस्सा थोड़ा चौड़ा बनाया हुआ होता है और ये चौड़ा हिस्सा यहाँ
यहाँ फील्ड वाइंडिंग को सपोर्ट सहारा भी प्रदान करता है। कार्य के दौरान जब दिष्ट धारा उत्तेजन किया जाता है तो एक स्थिर मान का फ्लक्स योक और पोल कोर से गुजरता है, लेकिन घूमते हुए आर्मेचर में जो खांचे और दांते बने हुए हैं वो जब चलते हैं तो यहाँ पोल शू के आसपास फ्लक्स में जो उतार चढ़ाव होता है उससे इस संकीर्ण भाग में शैथिल्य और भंवर धारा क्षतियां भी लो भाग में होती हैं, उन्हें कम करने के लिए पोल शू को पटलित सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, भले ही पोल कोर और योक ठोस प्रकार के ही क्यों ना हो। जो घूर्णनशील भाग है वो अधिक शक्तियों को वहन करता है और इस ज्यादा शक्ति वाले हिस्से को हम आर्मेचर कहते हैं, जिसे हम पटलित सिलिकॉन स्टील की सर्कुलर लेमिनेशंस को जो लगभग आधा मीटर मोटाई की होती है एक के बाद एक थाक लगा के एक बेलनाकार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस बेलनाकार स्ट्रक्चर में ये जो बाहर खांचे हैं उन खांचों में एक डबल लेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्लोज्ड फॉर्मेशन ले लेती है और इन वाइंडिंग के ओवरहैंग के जो कनेक्शन है वो यहाँ कम्यूटेटर के टुकड़ों से जोड़ दिया जाता है। तो ये जो कम्यूटेटर के टुकड़े इनके बीच में माइका का इंसुलेशन है और हर टुकड़े से कम्यूटेटर राइजर के थ्रू वाइंडिंग का एंड कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है। घूमते समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से वाइंडिंग के एंड कनेक्शंस उखड़कर बाहर ना निकले इसलिए इन्हें चारों तरफ एक बाइंडिंग वायर से लपेटकर मजबूती भी प्रदान कर दी जाती है। जब वर्किंग चुंबकीय क्षेत्र में घूमते समय चालक जुड़ने वाले फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन करवाएंगे तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसे कम्यूटेटर के साथ लगी हुई ब्रशेस से कलेक्ट करके बाह्य परिपथ को दिया जा सकता है। यहाँ जो कॉपर के टुकड़ों में माइका इंसुलेशन के साथ बना हुआ ये जो टुकड़ेदार कम्यूटेटर है वो घूर्णन के दौरान एक यांत्रिक रेक्टिफायर का काम करेगा और घूमते हुए आर्मेचर चालकों में तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा लेकिन वो रेक्टिफायर अपनी एक्शन से यहाँ ब्रशेस पे दिष्ट विभव निर्गत के तौर पे हमें प्रदान कर देगा। एक बड़ी शक्ति की डीसी मशीन में कम्यूटेटर में ब्रश के करंट कलेक्शन के दौरान जब धारा परिवर्तन होता है तो यहाँ हल्की पार्किंग हो सकती है। उस धारा परिवर्तन की स्थितियों को बगैर स्पार्किंग के सहज बनाने के लिए दो मुख्य पोल के बीच में यहाँ बीच में इंटरपोल वाइंडिंग भी की जाती है और इन इंटरपोल वाइंडिंग को हम आर्मेचर के साथ श्रेणी में जोड़ते हैं और जो धारा आर्मेचर कैरी करता है वही इंटरपोल वाइंडिंग में फ्लो होती है। तो हम कह सकते हैं कि एक डीसी मशीन में बाह्य आवरण योक या फ्रेम है, उसके साथ पोल कोर पोल शू फील्ड वाइंडिंग वर्किंग फ्लक्स बनाती है और घूमते हुए आर्मेचर की कोर में बाहर खांचों में आर्मेचर वाइंडिंग बांधी हुई होती है। आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन कम्यूटेटर के टुकड़ों पर हैं और कम्यूटेटर से ब्रश इलेक्ट्रिक कनेक्शन को बाहर तिर सिरों पर ले आती है। वर्किंग प्रिंसिपल पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पूछा गया है कि एक दिष्ट धारा जनरेटर में जो गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसे किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अगर फील्ड पोल्स के बने हुए वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर के चालक गति करते हैं तो एल लंबाई का चालक वी वेग से जब बी चुंबकीय प्रेरण में गति करता है तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो पीएलवी साइन थीटा वोल्ट होगा, जहां थीटा चालक की गति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये कोण है। अगर चालक की गति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ये कोण 90 डिग्री है तो साइन 91 होने पर ऐसी स्थितियों में जब चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई और वेग तीनों परस्पर लंबवत हैं तो अधिकतम पीएलवी विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, अन्यथा अगर वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है तो ऐसी स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पीएलवी साइन थीटा होगा। तो यहाँ गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र पीएलवी साइन थीटा होगा, जहाँ बी कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण का मान है टेस्ला में, एल चालक की लंबाई है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखी हुई है और वी चालक का रेखिल वेग है और थीटा चालक के वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। आठवां प्रश्न परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। पूछा गया है कि एक डीसी जनरेटर में जिसमें पी संख्या में पोल है, प्रति पोल अगर हम फ्लक्स फाई बनाएं और आर्मेचर को कैपिटल एन रिवोल्यूशन पर मिनट से चलाएं तो ए समांतर पथ वाले और जेड चालकों वाले इस आर्मेचर कुंडली में घूर्णन के दौरान जो कुल उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी गणना के लिए हम किस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सूत्र ऑप्शन सी पी फाई एन जेड ओवर 60A है, जहां पी डीसी जनरेटर में पोल की संख्या है, फाई प्रति पोल बनने वाला कुल फ्लक्स है, एन आर्मेचर की घूर्णन की रिवोल्यूशन पर मिनट प्रति मिनट घूर्णन की संख्या है, जेड चालकों की कुल संख्या है और ए वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या है जो वेव वाइंडिंग के लिए दो और लेप वाइंडिंग में पोल की संख्या के बराबर है। इस सूत्र की व्युत्पत्ति भी समझी जा सकती है। हम अगर एक पोल से फ्लक्स फाई बनाते हैं और पूरी आर्मेचर की परिधि पे चारों तरफ योग में पी पोल लगे हुए तो कुल फ्लक्स जो एक चक्कर में प्रति चालक कटेगा वो पी फाई हो जाएगा और अगर एक मिनट में एन रिवोल्यूशन होते हैं तो एक सेकंड में एन बाई 60 रिवोल्यूशन होंगे और एक रिवोल्यूशन में लगा समय 60
60 बटा एन सेकेंड हो जाएगा। अब कुल फ्लक्स पी फाई अगर 60 बटा एन सेकेंड में बदलता है तो फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की दर एक चालक में उत्पन्न ईएमएफ पी फाई एन बाई 60 हो गया है। कुल जेड चालक ए समांतर पथों में अगर लगे हुए हों तो एक श्रेणी में जो चालकों की संख्या है वो जेड बाई ए हो जाएगी। एक चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल पी फाई एन बाई 60 है तो जेड बाई ए सीरीज में जुड़े हुए चालकों का कुल ईएमएफ पी फाई एन जेड ओवर 60 ए हो जाएगा। हमारी परीक्षाओं में एक डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कैलकुलेशन से संबंधित सांख्यिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा है कि एक फोर पोल का जो लैप वाउंड डीसी जनरेटर है उसमें कितना ईएमएफ पैदा होगा जबकि उसका आर्मेचर 1000 रिवोल्यूशन प्रति मिनट की घूर्णन गति से घूर्णन कर रहा है और आर्मेचर वाइंडिंग में कुल 600 चालक हैं और प्रति पोल जो फ्लक्स उत्पादन हो रहा है वो 0.064 वेबर 64 मिली वेबर है। तो जो ईएमएफ का फार्मूला है वो पी फाई एन जेड ओवर 60 ए है जहां पी पोल की संख्या 4 है, फ्लक्स पर पोल फाई 0.064 वेबर है, यहां कैपिटल एन आर्मेचर में रिवोल्यूशन पर मिनट 1000 आरपीएम दिया हुआ है, चालकों की कुल संख्या जेड 600 दी हुई है और समांतर पथों की संख्या लेफ वाइंडिंग में पोल के बराबर यहां ए पी के बराबर 4 हो जाएंगे। अगर हम गणना करें तो ये डेसिमल के बाद 3 जो संख्या है वो 1000 के साथ कटकर 64 गुणा बना देगी, वहीं 600 और 60 में भाग देंगे तो ये 10 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये 64 में 10 का गुणा 640 वोल्ट हमारा डी विकल्प इस उदाहरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा। उसी तरह का हमारा अगला 10वां प्रश्न है। अब की बार एक 4 पोल की वेव वाइंडिंग की आर्मेचर कॉइल है और ये डीसी जनरेटर में 1020 चालकों की संख्या है और ये थोड़ा तेज 1500 आरपीएम की गति पे घूर्णन कर रहा है। यदि प्रति पोल फ्लक्स 7 मिली वेबर 0.007 वेबर हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान की गणना करनी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है पी फाई एन जेड ओवर 60 ए, जहां पी जनरेटर में पोल की संख्या 4 है, फाई प्रति पोल फ्लक्स दिया हुआ है 0.007 वेबर, एन आर्मेचर की घूर्णन गति है आरपीएम में जो हमें 1500 दी हुई है, जेड चालकों की कुल संख्या 1020 दी हुई है और ए एक वेव वाइंडिंग है जिसमें समांतर पथों की संख्या केवल 2 होंगी तो ऐसी स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का ये जो सूत्र है इसमें यहाँ डेसिमल के बाद 3 सार्थक अंक हैं तो ये 3 जीरो के साथ गुणा करने पे ये 7 हो जाएगा। 15 को 60 से भाग देंगे तो ये 4 आएगा, वो 4 इस 4 से कट जाएगा तो ये 15 और 4 और 60 आपस में कट जाएंगे। 102 में 2 का भाग देंगे तो ये 51 हो जाएगा और 51 और 7 का गुणा 357 वोल्ट, ये सी ऑप्शन इस उदाहरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा। 11वां प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान से संबंधित एक सैद्धांतिक प्रश्न है और पूछ रहा है कि एक डीसी जनरेटर में अगर क्षेत्र कुंडली की धारा को फील्ड एक्साइटेशन करंट को लगातार बढ़ाया जावे तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू में कैसे परिवर्तन होगा। तो ईएमएफ एक फिक्स नंबर ऑफ पोल फिक्स रिवोल्यूशन पर चलने वाली मोटर में फिक्स्ड वाइंडिंग के कंडक्टर और समांतर पथों के साथ क्षेत्र कुंडली के द्वारा प्रति पोल जो फ्लक्स उत्पादित हो रहा है उसके समानुपाती होगा और ये फ्लक्स चुंबकन धारा के साथ जो संबंध रखता है वो शुरू में जब हम क्षेत्र कुंडली में धारा बढ़ाते हैं फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ाते हैं तो फील्ड फ्लक्स एक सरल रेखीय रूप से बढ़ता है लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन संरचना होने के कारण एक सीमा के बाद फ्लक्स में वृद्धि के लिए हमें चुंबकन धारा में थोड़ी ज्यादा वृद्धि करनी होती है और डी के बाद जब संतृप्तता आ जाती है तो हम पाते हैं कि चुंबकन धारा या चुंबकीय वाहक बल को बढ़ाने पे भी चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि नहीं होती और जिस तरह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ठीक उसी तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल में भी क्षेत्र कुंडली में धारा बढ़ाने पर परिवर्तन होगा और ये क्षेत्र कुंडली की धारा बढ़ाने पे लगातार बढ़ेगा लेकिन वृद्धि की दर उत्तरोत्तर कम होती जाएगी और अंत में जब संतृप्तता जैसी स्थिति आ जाएगी तो कुंडली में धारा बढ़ाने पे भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बहुत मामूली सा बढ़ेगा और ये वृद्धि की दर घटती घटती अंततः संतृप्तता स्थिति में आ जाएगी, डी हमारा सही विकल्प होगा। 12वां प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक डीसी जनरेटर में जो घूमते हुए आर्मेचर चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्थिर मान के चुंबकीय क्षेत्र में सापेक्षित चालकों की गति के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे हम गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से राइट हैंड रूल से निकाली जाती है जिसमें अंगूठा तर्जनी फोर फिंगर और मध्यमा सेंट्रल
मिडिल फिंगर को परस्पर लंबवत विन्यासित कर लेते हैं और अगर तर्जनी की दिशा में कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो और हमारे चालक अंगूठे की दिशा में गति कर रहे हो तो जो मध्यमा है वो चालकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। और इस नियम का इस्तेमाल जब हम आर्मेचर चालकों के लिए करते हैं तो हम पाते हैं कि एक पोल के नीचे आने वाले सभी चालकों में घूर्णन के दौरान एक जैसी प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होती है और वो दिशा पड़ोस के विपरीत ध्रुवता के पोल से ठीक उल्टी होती है और घूमते समय आर्मेचर के चालकों में दिशा बदलता हुआ प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे कम्यूटेटर अपनी रेक्टिफायर एक्शन के दौरान घूर्णन के दौरान दिष्टकारी का कार्य करता हुआ ब्रश पे यूनिडायरेक्शनल डीसी बना देता है। यहां दूसरे विकल्पों को भी समझ लेते हैं। जो मैक्सवेल का कोर्सक्रू नियम है वो किसी धारावाही चालक के कारण उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का उत्पन्न होगा उसकी दिशा बताने का नियम है। वहीं जो दाहिने हाथ का अंगूठा नियम है वो कहता है कि अगर हम एक चालक को दाहिने हाथ में इस तरह से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा सीधे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। और फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड बाएं हाथ का नियम है वो एक धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र में बल किस प्रकार दिशा रखता है उसकी दिशा बताने का काम करता है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मोटर एक्शन में इस्तेमाल होता है और राइट हैंड रूल जनरेटर एक्शन में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम डी विकल्प फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो डीसी जनरेटर में इस तरह से पोल कोर के ऊपर जो कुंडलियां बंधी हुई होती है जिन्हें हम क्षेत्र कुंडलियां कहते हैं इनको लगाने का क्या उद्देश्य है। तो पोल एक डीसी जनरेटर के योग के साथ पोल असेंबली को जोड़ा हुआ होता है और पोल कोर के ऊपर संकेंद्रीय वर्तनों को बांधा हुआ होता है और इन वर्तनों में हम उत्तेजन की क्षेत्र धारा जब भेजते हैं तो ये चुंबकीय वाहक बल बना के फील्ड वाइंडिंग्स यहाँ पोल कोर में चुंबकीय कार्यकारी फ्लक्स का निर्माण करती है और इन्हीं फ्लक्स से ये हमारे जो मैग्नेटिक पोल हैं वो चुंबकित होकर चुंबक की भांति अपने पोल शू भाग से घूमते हुए आर्मेचर चालकों के ऊपर कार्यकारी फ्लक्स भेजते हैं। तो हमारी क्षेत्र कुंडलियां हैं वो कोर में फ्लक्स का उत्पादन करती हैं और वो फील्ड पोल को चुंबकित करने का काम करती हैं। सी सही विकल्प हो गया। आज के इस आखिरी प्रश्न में पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में पोल कोर के ऊपर ये जो हमने दो तरह की कुंडलियां की हुई हैं इनमें जो धारा का उत्तेजन किया हुआ है उस तरह के उत्तेजन से जो क्षेत्र बनते हैं उन जनरेटर का क्या नाम है। तो यहाँ हमने बहुत सारे पतले तार के फेरों की एक कुंडली बनाई हुई है जिसे हम आर्मेचर के समांतर में जोड़ते हैं और इसे हम शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। वहीं यहाँ एक मोटे तार की कम फेरों की कुंडली को हम आर्मेचर के श्रेणी में जोड़ने का काम करते हैं इसे हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। और इस जनरेटर में सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों के फेरे एक के साथ एक एक ही पोल कोर के ऊपर कार्यकारी फ्लक्स बनाने के लिए लगाए हुए हैं और जो बाह्य परिपथ से इन कुंडलियों में जो धारा की दिशा है वो इस प्रकार विन्यासित की गई है कि शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के चुंबकीय फ्लक्स एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं और ये कुंडली वाला जो चुंबकीय ध्रुव है वो एक साउथ पोल का काम करेगा और आर्मेचर के फ्लक्स की वापसी यहाँ होगी। और इस तरह के जनरेटर को हम संचयी संयुक्त कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं जिसमें सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों के फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हम कहते हैं कि मुख्य कार्यकारी फ्लक्स तो शंट वाइंडिंग बनाती है और भार के साथ जब धारा का परिवर्तन होता है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स शंट के फ्लक्स को लोड के साथ थोड़ा इंक्रीज करता है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और ईएमएफ इक्वेशन से संबंधित जो परीक्षाओं में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रारूप पूछे जाते हैं उनकी अच्छी समझ बनी होगी। इसी श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो और हमारी दूसरी वीडियोस की मदद से आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ और परीक्षा सफलताएं बेहतर बने इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।